हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल एंड आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थियोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, और वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझा दिया, जो आपको प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर के अंदर डाउट के फॉर्म में था। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें करना है। आज उस टॉपिक के अंदर हमें नील बोहर मॉडल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है हाइड्रोजन के लिए। तो बच्चों, खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और जी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चालू करते हैं बच्चों नील बोहर मॉडल। सबसे पहले मैं नील बोहर मॉडल के लिए आपको एक स्पेसिफिक बात बता दूँ कि नील बोहर मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रकार के ही एटम के लिए एप्लीकेबल था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लाइक हाइड्रोजन की स्पीसीज आप ले सकते हो, हीलियम प्लस वन ले सकते हो, लिथियम प्लस टू ले सकते हो, बीई प्लस थ्री ले सकते हो। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसने हाइड्रोजन के लिए ही अपना मॉडल बनाया था। तो वो चीज़ एक आप लोग खास ध्यान रखिएगा, और उसको लेके उसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। वो पोस्टुलेट्स के बारे में आज हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है। कौन कौन सी बातें उसने बताई थी, उसने कौन कौन से इक्वेशन हमें बताए थे, मैं आपको उस इक्वेशन के बारे में आज डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो इक्वेशन आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। स्लाइड में मैंने कहीं पे नोट डाउन नहीं किया है उसको, क्योंकि आपको साथ में लिखना है और वीडियो के साथ बने रहना है। ठीक है ना, चलिए चालू करते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक नील बोहर मॉडल के अंदर, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइक एच ई प्लस, एल आई प्लस टू एंड बी प्लस थ्री। क्लियर ना, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पीसीज के लिए ही हम ये मॉडल एप्लीकेबल कह सकते हैं। ठीक है ना, देन उसका जो हम पॉस्टुलेट अगर देखने जाए तो उसमें फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर ना, उसने सबसे पहले तो ये चीज़ बताई कि भाई एटम जो है उसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है, ये जैसे कि एटम है उसके सेंटर वाले पार्ट के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, हैवी पार्ट है। क्या है, हैवी पार्ट। और ये जो साइड की बातें हैं, ये जो बाहर की ऑर्बिट्स है, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है ना, ओके। देन सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। स्टेशनरी स्टेट्स या तो स्टेशनरी ऑर्बिट की ये डेफिनेशन है क्या, ऐसी ऑर्बिट जिसके अंदर, मैं आपको पहले नॉर्मली समझा दूँ, देन आफ्टर हम लैंग्वेज से जाते हैं क्या, कि ऐसी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, साथ में आपको नोट डाउन करना है तो कर दीजिएगा, कि स्टेशनरी स्टेट्स या तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ऐसी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा जाता है जिसके अंदर क्या, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके पास कोई एनर्जी की फिक्स्ड वैल्यू हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। भाई जैसे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, भाई सेंटर के अंदर एक सेंटर मेरे पास है, उसके आसपास भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक कांस्टेंट एनर्जी होनी चाहिए, वेरिएबल एनर्जी होनी चाहिए नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन के पास कांस्टेंट एनर्जी है और कांस्टेंट एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन अगर उसके आसपास रिवॉल्व हो रहा है, तो वो जिस राउंड पे यानी जिस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है उस पाथ को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या तो स्टेशनरी स्टेट। क्लियर, खास ध्यान रखिएगा, हम उस प्रकार के एनर्जी लेवल को स्टेशनरी स्टेट्स या तो क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हैंस दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल और स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स। दे आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, दिस नंबर आर ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आप जैसे कि भाई ये सेंटर वाला पार्ट है, ये पहली ऑर्बिट जैसे कि आई स्टेशनरी है, वो जैसे उसको हम n इज इक्वल टू जैसे 1 कहते हैं। क्लियर, देन दूसरी ऑर्बिट आई तो उसको मैं n इज इक्वल टू 2 कहता हूँ, देन तीसरी ऑर्बिट आई उसको मैं n इज इक्वल टू 3 कहता हूँ। क्लियर, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे आई वो n इज इक्वल टू 1 मैंने कहा,
सेकंड ऑर्बिट जो आई, ये सेकंड ऑर्बिट आई जैसे कि उसको मैंने n इज इक्वल टू 2 नाम दिया। देन आफ्टर मेरे पास जैसे कि थर्ड ऑर्बिट आई तो मैंने इसको n इज इक्वल टू 3 नाम दिया। तो ये जो अलग अलग ऑर्बिट को मैंने जो n कह के मैं जो बार बार उसको प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, वो n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे आप जाओगे बच्चों तो आपको चार प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ने हैं हमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना है, एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर पढ़ना है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर पढ़ना है, क्लियर ना। बहुत सारे क्वांटम नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो वो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जो भी ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट्स यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट कही जाती है, वो एनर्जी लेवल जो है उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का क्या, क्वांटम नंबर, जिसका प्रॉपर नेम दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, देखो मैंने जगह रखी है तो मैं वहां पे कुछ लिखूंगा, आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, ध्यान देना है। क्या एनर्जी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हम लिख सकते हैं किससे, समझना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इक्वेशन En, मेंशन कीजिए बच्चों खास, En मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस RH, फिलहाल लिख दीजिए, बाद में समझाता हूं क्या है, माइनस RH इन ब्रेकेट Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, क्या Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ओके, खास ध्यान रखिए बच्चों, क्या लिखा मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, En इज इक्वल टू माइनस RH Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। अब जहाँ पे N क्या है भाई, N मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स है, ऐसा कह सकते हो आप, N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यू कैन राइट, ठीक है। और Z तो क्या है, एटॉमिक नंबर, वो तो आपको पता ही है, आपके पास कोई भी नंबर का एलिमेंट के लिए बातें की गई हो तो, ठीक है। और RH जो है वो RH उसको कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहा जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, बच्चों समझिएगा खास, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है लिख लीजिए, आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2.18 इंटू 10^-18 जूल, ठीक है, मिक्स मत कर देना सारी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हालांकि एग्जाम में दी होती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिर से दोहरा रहा हूँ, हम En से इंडिकेट जिसको कर रहे हैं वो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, RH है रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 2.18 × 10^-18 जूल। Z मेरा एटॉमिक नंबर है, जिस एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे होंगे, जिस एलिमेंट के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन की हमें बात करनी है वहाँ पे Z लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एटम इसको आप कह सकते हो, एटॉमिक नंबर माफ कीजिए, प्रोटॉन कितने उसके पास है वो, और N मेरे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी वहाँ पे मैं N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी लिख सकता हूँ। ओके, तो सारे पॉइंट बच्चों साथ में लिखते जाइएगा, खास मिस्टेक ना हो। ओके, अब आप उसको जो एनर्जी लिखते हो उसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले ये मेंशन कर दिया। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए, अब जो आपने जो भी एनर्जी लिखी है उस एनर्जी को आप उसका यूनिट देखिए जरा, यूनिट आप उसको कह सकते हो भाई, एक यूनिट मैंने लिखवाया जूल, तो वो जूल एक्चुअल में पूरा अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं जूल पर एटम, वो क्या है एक्चुअल में जूल पर एटम। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें माफ कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होके जो वैल्यू बनती है रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए En, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा -2.18 × 10^-18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, बट मैं जूल पर एटम की कंपैरिजन करता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से, तो वो वैल्यू बन जाती है बच्चों, लिखिए खास, En इज इक्वल टू -13.6 मींस 13.6 जेड स्क्वायर, साथ में ही है जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके ना, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैव, सॉरी, इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट यूनिट लाइक जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट different unit have different value, suppose joule per atom then we can write -2.18 × 10^-18, suppose we have electron volt per atom then we can write -13.6 z square by n square electron volt, if we have to write kilo joule per mole then we can convert into -1312, आप उसको calculate कर लेना, z square by n square kilo joule per mole, मुझे तो हालांकि value जो है वो याद है, तो आप लोग को भी याद करनी है अगर exam में आती है तो, ठीक है ना। So ये जो वैल्यू है उसको खास ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल डिसाइड करता है आपका
जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, ओके खास ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जैसे कि मैंने भाई एन की वैल्यू वन ली, हमारा जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या था हमारा, EN इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो एन की जगह पे जैसे मैंने वन लिया, क्या लिया वन, सो ई वन इज इक्वल टू सपोज वी हैव राइट माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, ओके ना। सो ये जो वैल्यू होती है ई वन उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट, बच्चों याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे हम, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि पहला ही स्टेट, पहला स्टेट जहां से मेरा इलेक्ट्रॉन क्वांटम जंप करेगा, दूसरी ऑर्बिट पे जाएगा या तीसरी पे जाएगा या कहीं पे निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। सो ग्राउंड स्टेट से मेरा इलेक्ट्रॉन जंप कर सकेगा, तो उसको लेके भी बहुत सी चीज़ें आगे पढ़नी है। जैसे कि एक नॉर्मल बात समझाऊं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो प्रोटॉन के साथ कनेक्टेड होता है, तो उसको पहली ऑर्बिट से जब दूसरी ऑर्बिट में जाना होता है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है ना, मतलब उस वक्त उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जैसे भाई मैं भूखा हूं तो मैं जंप लगा पाऊंगा, मैं दौड़ पाऊंगा, नहीं दौड़ पाऊंगा, क्लियर ना। अगर मेरे में एनर्जी है तो मैं सब कुछ कर पाऊंगा। अब ये भाई जो है वो एनर्जी वाला तो है, लेकिन उसकी एनर्जी कौन पकड़ के बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी पकड़ के बैठा हुआ है भाई अंदर का जो सेंटर है वो, ठीक है ना। जैसे कि भाई पिताजी बैठे होते हैं और आप उसके एकदम नज़दीक में पढ़ने बैठे होते हैं तो आपको बाहर जाना होता है तो आपको देर लगती है, भाई पिताजी बैठे हैं जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। और अगर पिताजी बैठे हैं वो नीचे बैठे हैं और आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम पे पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ कर पाओगे क्योंकि अब पिताजी तो साथ में है नहीं, ठीक है ना। हालांकि ऐसा करना मत, पढ़ने में ध्यान देना बच्चों, पर कहने का मतलब यह है कि जितना आप सेंटर से दूर रहते हो उतनी एनर्जी आप पे बढ़ जाती है। तो ग्राउंड स्टेट से जब आप कोई दूसरे स्टेट में जाओगे यानी कि पहली से दूसरी ऑर्बिट में या तीसरी ऑर्बिट में जाओगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है ना। घर पे आपको एनर्जी मम्मी से मिल जाती है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए होती है, भाई हमें देनी पड़ती है बाहर से एज अ टेम्परेचर या हीट, कोई भी हम दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना, एज अ प्रेशर दे सकते हैं कोई पार्टिकल्स का या किसी भी प्रकार के रेडिएशन का या लेसर का हम उसके ऊपर इंसिडेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है, पर अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर की ऑर्बिट से अंदर आ रहा है तो वो तो एनर्जाइज पार्टिकल है। बाहर देखिए, आप घर से बाहर होते तो बहुत एनर्जी आ जाती है ना आप में, घर के अंदर ही आप क्या हो जाते, बिना एनर्जी कैसे रहते, क्योंकि क्या कुछ भी करोगे तो डांटेंगे पिताजी वगैरह। और बाहर अगर आप हो तो ऐसे शेर बन के घूमते हो, ठीक है ना। सो बाहर आपके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि बाहर की ऑर्बिट से जब अंदर की ऑर्बिट में मैं आऊंगा तो मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो मैं एनर्जी एमिट करूंगा। और अगर मैं अंदर की यानी कि ग्राउंड स्टेट से बाहर जाऊंगा तो भाई मेरे पास जो एनर्जी होती है वो कम होती है, भाई मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको याद रखिएगा खास, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उसी का ही बी पार्ट अगर देखते हैं कि भाई रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, यस दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियस स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसकी एनर्जी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन उसकी रेडियस, रेडियस का भी फॉर्मूला है बच्चों आपको याद रखना है खास, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग साथ में मेंशन करते जाइए। रेडियस मींस आर एन, एन अब देखो, अब एन आपको समझ में आ गया होगा, भाई मेरे पास ये सेंटर है, अब मेरा पहला एन इज इक्वल टू वन यहाँ पे है, और दूसरा जैसे कि भाई मेरे पास ये स्टेट है तो मेरा n इज इक्वल टू टू आएगा, यानी कि मैं अगर n की जगह पे मैं अगर वन लिखता हूँ तो पहले ऑर्बिट, पहली स्टेशनरी स्टेट्स की रेडियस, देन आफ्टर मैं n की जगह पे टू लिखता हूँ, ये जो है वो ये है टू, अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा, क्लियर ना। यानी अगर मैं प्रॉपर रेडियस गिनना चाहूँ तो ये रेड कलर की जो है वो, फिर ये जो पिंक कलर की जो है वो, क्लियर। तो वो जो है वो रेडियस की वैल्यू आप एन की वैल्यू से मुझे पता चलेगी। सो वो वैल्यू आप याद रखिए, आर एन इज इक्वल टू 52.9 n square, क्या 52.9 n square by z पाइकोमीटर, क्लियर ना, ध्यान रखिएगा खास, क्या आर एन इज इक्वल टू 52.9 n square by z पाइकोमीटर। बहुत काम का है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा गया है एन, भाई देखो कुछ करना होता नहीं है, आपको एन की वैल्यू पता होती है, आपको जेड एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में दिया जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी दी जाती है, सिर्फ वैल्यू रखनी होती है। लेकिन बच्चे इतने सिंपल से फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं और एमसीक्यू में मार्क्स गवा के आ जाते हैं बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखो खास, ठीक है, और नोट डाउन करते जाइए साथ में अलग अलग पेन से तो आपको ज़्यादा याद रहे। सो रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स मीन्स आर एन इज इक्वल टू 52.9 n square बाय जेड पाइकोमीटर, जितनी उसकी क्या होती है रेडियस होती है स्टेशनरी स्टेट्स की, ओके। सो यहाँ पे हमने पहला पोस्टुलेट, माफ कीजिए, दूसरा पोस्टुलेट खत्म किया बच्चों, क्या ये लिख लीजिए, लिख दिया, ओके रफ कर रहा हूँ। सो दूसरे पोस्टुलेट के अंदर हमने जान लिया
कि मेरे पास स्टेशनरी स्टेट जो है वो होता क्या है, स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, और स्टेशनरी स्टेट्स की जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस ढूंढने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, दोहरा रहा हूँ, जिन बच्चों ने लिखा नहीं है वो वापस लिख दीजिए। एनर्जी मुझे ढूंढनी है स्टेशनरी स्टेट्स में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर्मूला है En इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जहां पे एन मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स यानी कि ऑर्बिट है, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आर एच है मेरे पास 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। ओके, और जेड तो मेरा एटॉमिक नंबर होगा, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल में हर एक की वैल्यू अलग अलग रहेगी। जैसे जूल पर एटम में 2.18 × 10⁻¹⁸, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एंड किलो जूल में हो जाएगी वो 1321 किलो जूल पर एटम। क्लियर ना, सो माफ़ कीजिए मोल। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सेकंड स्टेप की ओर जाते थर्ड स्टेप की ओर जाते, दो चीज़ें हमने जान ली। अब स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझना क्या बच्चों, स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम, एक और सॉरी माफ कीजिए एक चीज रह गई कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस है, वाह हाँ ये चीज बहुत काम की है बच्चों, बहुत ही ज्यादा काम की है, ये चीज रह जाती है अभी गलती से। बोहर ने क्या बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई बोहर ने अपना मॉडल दिया था ना वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिया था। बोहर ने अपना मॉडल अगर हाइड्रोजन एटम के लिए ही दिया है, तो बच्चों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो हाइड्रोजन के लिए है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहा है, और अगर वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो जितना नजदीकी होगा, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब सबसे पहली ऑर्बिट उसकी होगी, तो उसके लिए तो वैल्यू फिक्स होगी। तो उस प्रकार की ऑर्बिट को हम बोहर ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर ऑर्बिट, याद रखिएगा। और बोहर ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो होती है 59.9 पाइकोमीटर, कॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 एंड z आल्सो 1। क्लियर ना, दोनों की वैल्यू 1 1 कट होके मेरे पास सीधा मिलता है 52.9 पाइकोमीटर। ओके, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है उसका, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। भाई मैंने कहा इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो ढूंढना हो, तो उसका भी मेरे पास फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा खास, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ Vn। अब n क्या है वो तो मैं समझाने की जरूरत नहीं है, बार बार बहुत ईजी है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2.18 × 10⁶, क्या 2.18 × 10⁶ डिवाइड बाय n into z मीटर पर सेकंड, जो हमारी वेलोसिटी का यूनिट है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे क्या, मीटर पर सेकंड। ओके, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, z मेरा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी कि मुझे वेलोसिटी ढूंढनी हो तो भी मैं ये फॉर्मूला से ढूंढ सकता हूं। बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही डीप लेवल से पढ़ा रहा हूं, जी नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं दिया है, पर फिर भी बच्चों बहुत काम की चीजें हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो साथ में लिखते जाइएगा। सो Vn इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई n इंटू जेड मीटर पर सेकंड, जो वैल्यू है उसकी वो आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, चलिए ये तीन टॉपिक खत्म हुए, यहाँ पे हमने सेकंड पोस्टुलेट खत्म किया, देन आफ्टर हम बातें बढ़ते हैं थर्ड पोस्टुलेट की ओर जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट मेरा क्या कहता है ये लिख दिया। ओके नाउ चलिए, नाउ थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, हैंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ओनली सर्टेन डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनी ऑफ देयर ऑन, दस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटिज, यानी कि क्वांटिजाइड्स भी कह सकते हो आप इसको, कि भाई आप उसको, मैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि भाई थर्ड टॉपिक जो है सेकंड के साथ रिलेट करता है, सेकंड में ऐसा कहा ना कि उसका आप ऐसा इन्वर्जन कह सकते हो कि भाई ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट एनर्जी है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते हैं, तो यहाँ पे ये थर्ड टॉपिक है, उसकी जगह पे आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि भाई जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में घूम रहे हैं उसके पास फिक्स एनर्जी होती है। क्लियर ना, हमने उसको डिफाइन कैसे किया कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके पास कांस्टेंट एनर्जी है वो जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है भाई वो ऑर्बिट कही जाएगी स्टेशनरी ऑर्बिट। बट थर्ड टॉपिक, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। ओके,
ठीक है ना। सो ये बात आप लिख सकते हो थर्ड टॉपिक में, इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके नाउ फोर्थ वन, लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डिफाइनाइट वैल्यू एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ऑन। मीन्स वॉट, समझो, देखो एक चीज आपको समझाता हूँ। ये जो है ना फोर्थ टॉपिक, वो बहुत काम का है, वो भी आया है एमसीक्यू में, कि जैसे कि भाई मेरे पास ये सेंटर है, समझना बच्चों, फिजिक्स के अंदर आप लोग एंगुलर मोमेंट की वैल्यू पढ़े हो ना, एंगुलर मोमेंट पता होगा। चलो मैं थोड़ा साइड में एंगुलर मोमेंट समझा देता हूँ आपको। पहले देखो, बस ये खाली स्लाइड मिल गई, यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो एंगुलर मोमेंट मतलब क्या, कि भाई जैसे कि आप नॉर्मल उसका एग्जांपल देखते हो ना, कि आपने डोरी से कोई पत्थर बांध दिया है और उस डोरी को आप घुमा रहे हो, तो आपका जो हाथ है वो सेंटर पॉइंट बनेगा, क्लियर। और पत्थर जो मोमेंट में आएगा उसको हम एंगुलर मोमेंट में ऐसा कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो एंगल बना रहा है। देखिए ये आपका हाथ है जैसे कि, क्लियर, ये आपने दूरी बांधी हुई है, ये आपका पत्थर है, तो ये पत्थर जैसे ये गोल घूमेगा, क्लियर, तो हालांकि ये गोल नहीं है, उसको मैं थोड़ा गोल कर देता हूँ, ये है, ये दूरी है और ये गोल घूम रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत गोल हो गया। नाउ अब क्या होगा भाई, ये जैसे जैसे है ना कुछ एंगल बनाता जाएगा, यहाँ पे जाना चाहिए सीधा लेकिन थोड़ा मुड़ गया, देखिए ये एंगल बन गया, फिर ऐसे भी सीधा जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे एंगल बन गया, सीधा जाना चाहिए लेकिन एंगल बन गया, सीधा जाना चाहिए लेकिन एंगल बन गया, सीधा जाना चाहिए लेकिन एंगल बन गया। मतलब कि भाई वो मोमेंटम में तो आ गया, बट एंगल चेंज होते होते मोमेंटम में आया। मतलब क्या, वो अपनी मोमेंटम एंगल के साथ बदल रहा है, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंट। अब यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए भाई समझ लो, यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए समझ लो, कि भाई मेरे पास ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसको मैं न्यूक्लियस कह देता हूँ, और न्यूक्लियस के लिए ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर वाला पार्ट है मेरा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी गोल गोल घूम रहा है, तो वो भी कुछ एंगुलर मोमेंट से घूमना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्यों, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। मान लो एक डोरी ही बंधी है, डोरी ही बंधी हुई है, मान लो जैसे आपकी डोरी ने पत्थर को पकड़ के रखा है और आपने डोरी को पकड़ के रखा है, वैसे ही सेंटर वाले ये पार्ट ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी मोमेंट बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ जैसे वो आगे जाके यहाँ पे आया, ठीक है, फिर आगे जाके यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो अपनी एंगल बदली ना उसने, हालांकि वो सीधा चला जाना चाहिए था, ऐसे चला जाना चाहिए था, ऐसे चला जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर वो गया नहीं, क्योंकि भाई उसको तो रिलेशन रखना है सेंटर के साथ, सेंटर ने भाई को पकड़ के रखा हुआ है, बराबर, तो वो जो है वो एंगुलर मोमेंट में आया, तो इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन माफ कीजिए वही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट्स में घूम सकता है। समझना बच्चों, क्या वही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट्स में घूम सकता है जिसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, एनएच बाई टू पाई, क्या है, एनएच बाई टू पाई। फॉर्मूला में लिख देता हूं, इससे इसको रफ करके प्रॉपर लिख देता हूं। जैसे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो आपको पता है, एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला फिजिक्स में आया होगा, नाइन्थ में भी आ गया, एम वी आर, बराबर ना, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम है, जहाँ पे एम मेरा मास हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, वी मेरी वेलोसिटी हो जाती है, आर मेरी रेडियस हो जाती है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू फॉर्मूला बना एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई। एच क्या है, एच मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों आगे, प्लैंक कॉन्स्टेंट, क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, और एन की वैल्यू तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम, माफ कीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। सो समझना, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की उतनी तो होनी ही चाहिए, कितनी, एन एच बाई टू पाई जितनी, तो ही वो स्टेशनरी स्टेट्स में घूम सकता है, वरना नहीं घूम पाएगा, सही है। इसको लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एन की वैल्यू आपको दी होती है और आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है, ओके, जनरली ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू के लिए क्या है वैल्यू, तो जनरली बच्चे फटाफट देख के लिख देते हैं टू एच बाई पाई, टू टू कट हो गए, बट टू टू कट हो गए तो भाई एच बाई पाई हुआ है आंसर, जो बी या सी दिया होता है, ओके, तो आपको उतावलेपन से आंसर नहीं लिखना है बच्चों, देख के समझ के लिखना है। तो थर्ड पोस्टुलेट समझ में आ गया क्या, थर्ड पोस्टुलेट, देखिए बच्चों साथ में अगर लिखते जाओगे ना तो आपको टॉपिक पूरा यहीं के यहीं क्लियर हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसी ही माफ कीजिए इलेक्ट्रॉन उतनी ही एंगुलर मोमेंटम उसके पास है एनएच अपॉन टू पाई जितनी, तो ही वो स्टेशनरी स्टेट्स में घूम सकता है, वरना वो भाई घूम नहीं पाएगा, ओके, तो ध्यान रखिएगा खास। चलिए अब बात करते हैं आगे फोर्थ नंबर, माफ कीजिए फोर्थ खत्म हो गया, फिफ्थ की ओर जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सेम सेल। देखो ये तो सीधा है कि भाई एक ही सेल के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज नहीं कर पाएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन क्वांटम एक माफ कीजिए कॉन्स्टेंट एनर्जी लेके घूम रहा है, क्वांटम लेके घूम रहा है मतलब वो गेन या लूज नहीं कर पाएगा, सही है ना, ओके। नाउ सिक्स नंबर की ओर जाते हैं, सिक्स क्या कहता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट गेट्स
excited to higher energy level and when it de-excite it lose energy in the form of the electromagnetic radiation and come into the lower energy. देखो मैंने शुरुआत में समझाया ना भाई, पापा जी बैठे हैं तब तक बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सेंटर के जितना नजदीक है उतना दूर नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. लेकिन जब घर से बाहर से जब घर पे आएगा, मतलब कि बाहर की ऑर्बिट से अंदर की ऑर्बिट में आएगा, तो एनर्जी एमिट करेगा. और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में एमिट करेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में वो एनर्जी को एमिट करेगा. ओके, खास ध्यान रखना बच्चों. ओके, मतलब कि एक्साइट कब करेगा और डी एक्साइट कब होगा उसकी बात आपको खास ध्यान रखनी है. ओके, तो ये जो 6 टॉपिक है बच्चों वो नील बोहर मॉडल के मेन टॉपिक है. उसके अंदर अब हमें स्पेक्ट्रम के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. एक और टॉपिक भी है आखिर में, जो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए भी एक टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ. चलो हम वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं. पहले मैं आपको यहाँ पे वो बता दूँ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन क्या है. वी नो दैट द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड टू एमिट व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट रिस्पेक्टिवली. द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इज, देखिए एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. अब ये जो है ना एनर्जी गैप क्या हुआ वो आपको ढूंढना हो, मैं आपको समझाता हूँ. देखो यहाँ पे भाई ये सेंटर है, ये पहली ऑर्बिट है. समझ रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छी तरीके से समझना, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं. ये दूसरी ऑर्बिट है. ओके, अब मेरा इलेक्ट्रॉन ये जैसे कि पहली ऑर्बिट और ये दूसरी ऑर्बिट, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, भाई ने जंप लगा के चला गया वो दूसरी ऑर्बिट के ऊपर. अगर वो जंप लगा के दूसरी ऑर्बिट के ऊपर चला गया है तो अंदर से बाहर गया. देखो अंदर से बाहर गया ना, मतलब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. यानी कि ये उसका इनिशियल स्टेज हुआ, ये उसका फाइनल स्टेज हुआ. ओके ना, ये उसका इनिशियल स्टेज हुआ, ये उसका फाइनल स्टेज हुआ. तो उस वक्त उसने जो एनर्जी एमिट की, अब वही चीज़ मैं जरा दूसरे पास से मैं कहता हूँ. इलेक्ट्रॉन मेरा, अब इस साइड जरा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे था, यहाँ से उसने जंप लगा के वो अंदर की साइड आया. मतलब कि ये उसका इनिशियल स्टेज हुआ और ये उसका फाइनल स्टेज हुआ. तो ये दोनों केस के अंदर वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, या तो भाई को रिक्वायरमेंट होगी. इस वाले केस में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लैक केस, ब्लैक कलर का जो मैंने मार्कर से लिखा है वो क्या है, वो केस ऐसा है जिसमें उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और ये जो पिंक कलर से लिखा है वो जो क्या है, उसमें वो एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में. ओके, सो एमिट करे या तो रिक्वायरमेंट हो, बट ये जो एनर्जी का गैप है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसको लेके आपको फॉर्मूला ड्राइव करना. समझ में आई बात? किसकी बात हो रही है? हम फॉर्मूला किसका लिख रहे हैं? हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो एनर्जी का, जो एनर्जी एमिट या तो क्या हुई है, रिक्वायर्ड है. ओके, सो उसको मैं जैसे दिखाता हूँ डेल से. आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डेल डेल का साइन क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एनर्जी. डिफरेंस ऑफ एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी में आया चेंज. तो चेंज को आप फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल. यानी कि फाइनल स्टेज में से जब वो इनिशियल स्टेज में आया वो. अब बच्चों ये चीज़ है ना न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा आती है. न्यूमेरिकल में ये चीज़ पूछी जाती है आपको. क्वांटम जंप किया, एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू में गया, तो आपको समझ जाना है भाई टू मेरा फाइनल स्टेज हुआ, वन मेरा इनिशियल स्टेज हुआ. तो उस वक्त ये चीज़ें खास बतानी पड़ती है, ठीक है ना. अब EF बच्चों समझो, EF के लिए मैंने, E के लिए मैंने आपको फॉर्मूला कौन सा डिराइव करवाया, अभी आपको करवाया ना मैंने E के लिए, कि जैसे भाई मेरी हम हाइड्रोजन के लिए ही फिलहाल बात कर रहे हैं तो Z तो मेरा वन होगा बराबर. तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू लिखनी है भाई E की, एनर्जी की वैल्यू लिखनी है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे डेल E तो एज इट इज है इक्वल टू डेल E इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ भाई E की वैल्यू क्या, माइनस आर एच बाय एन. अब एन क्या, एन वन या टू या थ्री या फोर, कुछ नहीं, फाइनल मतलब क्या, एन फाइनल का स्क्वायर. रेडी ना, फॉर्मूला हमने लिखा था ना अभी, आर एच माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. और जेड तो मेरा वन है क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बातें हो रही है, हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर वन है. ओके, सो माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर, एन एफ स्क्वायर सॉरी, माइनस इनिशियल के लिए क्या लिख सकता हूँ भाई, इनिशियल के लिए माइनस आर एच बाय एन इनिशियल का स्क्वायर. बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना बहुत काम में आएगा आपको. आपको किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए दिया हो, माफ कीजिए, किसी भी ऑर्बिट्स के लिए दिया हो, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी या जंप कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट के ऊपर जा रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, कोई हमें उससे फेर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता उससे. पर वो इलेक्ट्रॉन फाइनल टू इनिशियल कैसे जा रहा है और किस तरीके से वो जाएगा उसको हमें खास पढ़ना होता है और उसको लेके ही सारी बातें करनी होती है. तो बच्चों समझिएगा, बहुत काम का है ये चीज़.
बराबर, ध्यान रखिएगा खास, मिस्टेक ना हो। ओके, सो डेल की वैल्यू यानी कि जो चेंज आया वो चेंज की वैल्यू क्या होगी, ई एफ माइनस ई आई, यानी कि उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। कौन से फॉर्म में कैलकुलेट कर पाएंगे भाई, माइनस आर एच बाई एन एफ स्क्वायर माइनस माइनस आर एच बाई एन आई स्क्वायर। क्लियर, अब उसकी वैल्यू आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, आर एच कॉमन ले लो, माइनस आर एच ब्रैकेट में वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर लिखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसको नॉर्मल कोई भी जनरलाइज फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, चाहे बायो वाले स्टूडेंट हो, मैथ्स वाले तो इसमें माहिर होंगे, वो फटाफट से कॉमन ले लेंगे, बायो वाले उसको फिर शांति से कैलकुलेट करना थोड़ा। ओके, सो ध्यान रखना बच्चों खास, मिस्टेक ना हो। सो ये एक फॉर्मूला हुआ। देन आफ्टर दूसरी एक चीज़ भी साथ में है, वो है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ द फोटोन। देखिए, फोटोन के लिए हमने बात की थी, फोटोन क्या था, जब मैं लाइट का यूज़ करूँगा उसके किसके लिए लाइट का यूज़ करूँगा, मैं लाइट का यूज़ करूँगा भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन कहा जाएगा। तो वो फोटोन जब एनर्जी को एमिट या तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उसके लिए मेरी वैल्यू क्या बनेगी, उसको तो हमने क्या कहा भाई, वन अपॉन लैम्बडा कहा था, याद कीजिए, आपको मैंने लिखवाया था, याद कीजिए। तो वो वैल्यू क्या रहेगी फोटोन की, वन बाय लैम्बडा इज इक्वल टू डेल ई। नॉर्मल लैंग्वेज में ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, पर आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसको लिखना चाहो तो चलो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, हमने लिखा था ना ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, आप याद कीजिए, चलो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, याद कीजिए। ओके, हो गया, अब इस एच सी को भाई डिवाइड में ले लो, तो वन अपॉन लैम्बडा, ये क्या हो गया, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू ई बाई एच सी हो गया। अब ई तो क्या है, हम चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चेंज मतलब क्या, डेल ई, सो डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा हो जाएगा, ये एच सी को सामने मल्टीपल कर दो। लेकिन फिलहाल हमें क्या चेंज, हमें क्या ढूंढना है भाई, डेल ई के बारे में डिस्कशन करनी है, तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास जो नॉर्मल फॉर्मूला था वो फॉर्मूला उसके अंदर मैं पुट करूँ, फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, वन अपॉन लैम्बडा, पूरा रफ कर देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, जो ब्लैंक पेज था उसमें थोड़ा समझ में आया आपको, क्या हमने नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्या लिखा पहले, सबसे पहले भाई डेल ई मीन्स ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, ओके ना, एच सी को डिवाइड में लिया तो क्या बना, डेल ई बाय एच सी इज इक्वल टू वन बाय लैम्बडा। अब डेल ई की वैल्यू में अगर पुट करूँ, समझ रहा बच्चों, डेल ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या बनेगा, डेल ई की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो डेल ई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, आर एच जो कॉमन ले लिया था मैंने, और माइनस के साथ कॉमन लू, मैथमेटिकल स्टेप, माइनस के साथ, तो इनिशियल आगे आ जाएगा फाइनल पीछे चला जाएगा, यानी कि आर एच, आर एच डेल ई की वैल्यू लिख रहा हूं, आर एच डिवाइड में एच सी तो था ही, अभी आर एच पूरा नहीं हुआ, आर एच की पूरी वैल्यू क्या थी, वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने एन आई स्क्वायर या एन आई स्क्वायर आगे क्यों लिखा, तो वही मैथमेटिकल स्टेप है, जरा कैलकुलेट करो, माइनस कॉमन ले लो, आगे आ जाएगा एन आई, वो पीछे चला जाएगा। ओके, सो आर एच बाई एच सी माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि देखो आर एच बाई एच सी को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू मेरे पास है 2.18 इंटू 10 टू माइनस 18, प्लांक कॉन्स्टेंट है 6.62 10 टू माइनस 31, सी की वैल्यू मेरे पास है 3 इंटू 10 टू 8, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो एक कैलकुलेट होके क्या आता है मेरे पास वैल्यू, वो कैलकुलेट होके आती है 1.09, क्या 1.09 इंटू 10 टू 7, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी हुई, वो हुई आर एच बाई एच सी की, किसकी हुई आर एच बाई एच सी, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1.09 10 टू 7, और साथ में जो ब्रैकेट में था वो तो लिखेंगे ही हम 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कि भाई फोटोन जो है उसकी मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेली बाई एच सी आर एच बाई एच सी 1 अपॉन एन आई माइनस 1 अपॉन एन एफ की वैल्यू, फिर जो आंसर आए उसको इन्वर्स कर दो, क्योंकि ये सारी वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा के तहत डिसाइड हुई है, हमने डिसाइड किया ना अभी 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेली बाई एच सी, रेडी, फिर सारी वैल्यू उसके अंदर हमने पुट की। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक कैलकुलेटिव टर्म है, बहुत ही काम का टर्म है और बहुत ही काम का टॉपिक है। तो बच्चों ये जो है उसके अंदर हमने आज नील बोहर मॉडल पढ़ लिया है, बच्चों नील बोहर मॉडल के अंदर हमने ये सारी डिस्कशन की है। अब इसी के साथ ही मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत काम का है। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो आपको सिखाएगा एक्चुअल में
कि आगे जाके आप किस तरीके से सॉल्व आउट करोगे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम अगर हमें पढ़ना होगा तो लाइन स्पेक्ट्रम का भी मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया हुआ है, तो उसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसियस हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट सेवरल लाइंस नेम आफ्टर डिस्कवर समथिंग, क्लियर ना। अब इसके अंदर एक्चुअली में ये क्या बता रहा है, मैं आपको बता दूं कि हम जैसे बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ये सेंटर पार्ट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएगा या अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उस वक्त वो जो एनर्जी एमिट करेगा उसको लेके हमने उसका लाइन स्पेक्ट्रम कैलकुलेट किया है, पूरा डिस्क्राइब किया है। और वो जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, जिसके अंदर अलग अलग सीरीज पढ़नी है। मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले बताई थी सीरीज के नेम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज, क्लियर ना। तो वो सीरीज जो है ना, वो देखो ये फिगर एक्चुअली में वही चीज़ डिसाइड कर रही है। देखो जरा फिगर को जरा जूम कर देते आपको थोड़ा समझ में आए। देखो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, En2En=1। देखिए n=1 से n=2 से 1 में आया, सॉरी चलो दिखाता हूं, देखिए n=2 से n=1 पे इलेक्ट्रॉन जब मेरा आया तब फाइनल, मैंने अभी जो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला डिसाइड किया ना ऊपर 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल, बस उसी के लिए। फिर वो 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया, 6 से किससे आया 1 पे आया, 7 से 1 पे आया। तो लाइमन सीरीज के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, 1। और जहां से वो इलेक्ट्रॉन एमिट, जहां से जंप कर रहा है वो इनफाइनाइट हो सकती है, कहां से, तो 2 से इनफाइनाइट हो सकती है ना भाई, दूसरी ऑर्बिट से आया, तीसरी से आया, चौथी से आया, क्लियर। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों, लाइमन सीरीज के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वो उसकी एन इनिशियल की जो वैल्यू है, एन इनिशियल, क्लियर, वो इनिशियल की वैल्यू 1 से चालू होगी और फाइनल की वैल्यू तो भाई कहीं से भी खत्म हो सकती है, 2 से चालू, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जा सकती है। वैसे ही बामर सीरीज देखो, बामर सीरीज में क्या है, बामर सीरीज के अंदर बताया हुआ है कि भाई वो उसका एन की वैल्यू कहाँ से डिसाइड होता है, 2 से। तो बामर सीरीज के लिए ni कितना बनेगा, 2, और nf कितना बनेगा भाई, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट, रेडी। सेम थिंग अगर पाश्चन सीरीज के लिए देखो तो उसका n की वैल्यू क्या बनेगी, 3 से शुरू होगा, फाइनल की वैल्यू किससे होगी भाई, 4 से, 5 से, 6 से, इनफाइनाइट तक। ब्रैकेट सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो वो n=4 से चालू हो रहा है और उसका खत्म कहाँ से हो रहा है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है भाई, 5, 6, 7, 8 से आ रहा है। मतलब ये चीज़ समझा क्या रहा है बच्चों, कि अगर मैं इन बिटवीन पाश्चन सीरीज अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो पाश्चन सीरीज मतलब क्या, कि ये पहला ये इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। तो पाश्चन सीरीज के लिए n की वैल्यू 3 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, वो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट से अंदर ऐसे आ सकते हैं, अंदर की ऑर्बिट से आ पाएंगे नहीं, वो पाश्चन सीरीज बताती है। ओके, वैसे ही ब्रैकेट सीरीज 4th नंबर से है, वैसे ही फंड सीरीज 5th नंबर से है। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए ये स्पेक्ट्रा दिखा गया था जिसको हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ओके, क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए देखिए, लाइमन सीरीज के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहीं से भी, कोई भी हायर स्टेट से, लेकिन आता कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में। ओके, और उसके लिए बच्चों खास आपको ध्यान रखना है कि लाइमन सीरीज के लिए, बच्चों लिखवा रहा हूँ, लिख दीजिएगा, लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं जो एमिशन लिखना चाहूँ कि भाई स्पेक्ट्रल लाइन जो एमिट हुई वो कौन से रीजियन में होती है, तो लाइमन सीरीज के लिए होता है वो अल्ट्रा वायोलेट रीजियन में, किस में, बहुत एमसीक्यू में आया है, एमिशन होता है ना, वो एमिशन होता है क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एमिशन ही होगा, तो वो जो एमिशन होता है वो कौन से रीजियन में होता है, अल्ट्रा वायोलेट रीजियन में होता है। बामर सीरीज के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज के लिए वो जो होता है रीजियन, वो कौन सा रीजियन होता है, वो रीजियन होता है विजिबल, कौन सा होता है, याद रखना बच्चों, कौन सा, विजिबल, क्लियर, जो दिखता है, विजिबल। ओके, अगर मैं पाश्चन सीरीज के लिए वही चीज लिखना चाहूँ, पाश्चन सीरीज के लिए, तो वो होता है इंफ्रारेड, कौन सा होता है, ये सारे रीजियन है जिस रीजियन में एमिशन देखने को मिलता है, इंफ्रारेड। ओके, देन आफ्टर अगर मैं फंड सीरीज के लिए लिखूँ या ब्रैकेट सीरीज के लिए लिखूं, तो उसके लिए भी, फंड सीरीज के लिए लिखूं या ब्रैकेट सीरीज के लिए लिखूं, उसके लिए भी कौन सा रीजन होता है, इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये रीजन बच्चों याद रखना खास, क्या, लाइमन सीरीज के लिए अल्ट्रावायोलेट है, बामर सीरीज के लिए विजिबल रीजन होता है एमिशन का, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड के लिए, तीनों के लिए इंफ्रारेड होता है। ओके,
खास ध्यान रखना बच्चों, मिस्टेक ना हो। हालांकि मैंने ये चीज़ भी स्लाइड के अंदर डिस्क्राइब कर दी है, तो आप लोग वो चीज़ भी देखो देख सकते हो। लाइमन सीरीज़ के अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइमन सीरीज़ जो है वन से उसका शुरुआत होता है, बामर पे टू पे शुरुआत होता है, पाश्चन पे थ्री पे शुरुआत होता है, यानी कि शुरुआत इन द सेंस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है हायर से, हायर इलेक्ट्रॉन की स्टेट से, माफ़ कीजिए, हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के लाइमन में ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, बामर में सेकंड स्टेट में आ सकता है, पाश्चन में थर्ड स्टेट में आ सकता है, ब्रैकेट में फोर्थ स्टेट में आ सकता है, फंड में फिफ्थ, यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे फिफ्थ आएगा, एन इज इक्वल टू फिफ्थ, ओके फंड में, ओके। एंड देन आफ्टर मैंने जो लिखवाया वो खास ध्यान रखिएगा बच्चों कि लाइमन सीरीज के लिए रीजन होता है अल्ट्रावायोलेट, देन आफ्टर बामर सीरीज के लिए होता है इंफ्रा, माफ कीजिए विजिबल, देन आफ्टर तीनों के लिए क्या हो जाता है इंफ्रारेड, ओके। अब इसको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको लिखाई थी, ओके, तो याद रखना हो तो आप उसको याद रखिए भाई, लाई बापा बेफूड, क्या लाई बापा बेफूड, लाई बापा बेफूड, ओके, गुजराती बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, लाई बापा बेफूड, यानी क्या, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, मैंने आपको बताया था बच्चों, याद है कि ये चीज़ लाइन में याद रखनी पड़ेगी। अब समझ में आ गया होगा क्यों लाइन में, क्योंकि ये वन है, इसका आखिरी स्टेट टू से, थ्री से चालू, टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे टू है, मतलब थ्री फोर फाइव। अब मान लो पाश्चन आपने गलती से पहले लिख दिया, तो आप जो पीछे लिखोगे वो भी, उसमें भी गलती आएगी, क्योंकि पाश्चन की शुरुआत तो थ्री से हो रही है और आपने शुरुआत करवा दी होगी टू से, तो गलती आएगी ना, ओके। तो ध्यान रखना, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, ओके। चल आगे बढ़ते, ये सीरीज के बाद हम बोहर मॉडल का आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमें लिमिटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। लिमिटेशन, बोहर मॉडल क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, बोहर मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ, देखिए बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि हाइड्रोजन के अलावा, आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हो कि इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल था, दूसरों के लिए तो ये भाई ने मॉडल बनाया नहीं था, तो पहला तो यही लिमिटेशन हो गया। दूसरा, इट फेल टू अकाउंट टू द डबलेट और ट्रिपलेट, मींस डबलेट ट्रिपलेट क्या है समझाता हूँ, डबलेट और ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि तीन या चार लाइन अगर एक साथ जाती है तो एक दूसरे के साथ टच क्यों नहीं हो जाती। जैसे हमने बताया ना, आपने ऊपर देखो यहाँ पे पढ़ा, ये जो लाइन जा रही है वो लाइन देखिए दूर दूर है, एक दूसरे के साथ डबल एक साथ में जुड़ क्यों नहीं जाती, तीन चार से जुड़ क्यों नहीं जाती, वो अलग अलग क्यों होता है, तो उसके बारे में भाई समझा नहीं पाया ये जो नील बोहर है वो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछी गई है और बहुत ही ज़्यादा काम का है, वो ज़िमेन इफेक्ट या तो स्टार्क इफेक्ट को समझा नहीं पाया। ज़िमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट क्या है, देखो ज़िमेन इफेक्ट स्टार इफेक्ट क्या है कि अगर मैं वो जो लाइन जा रही थी ना, देखो ये जो नहीं लाइन जा रही थी, ऐसे लाइन जा रही थी ऊपर नीचे ऐसे लाइन जा रही थी, तो ये लाइन के बीच में मैं मैग्नेटिक फील्ड को रख दूँ ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस लाइन के बीच में जगह कर देगा, क्या कर देगा, जगह कर देगा, इसको कहते हैं क्या, ज़िमेन इफेक्ट। देखो बताया गया, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बीच, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं रख दूँ उस लाइन के बीच में तो लाइन क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्प्लिट, यानी कि जो लाइन थी ना वो लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ओके, ऐसी स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड उसके आस पास, यहाँ पे देखो मैं अगर उसके दोनों साइड में अगर यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख देता हूँ और बीच में उसको रखता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में अगर मैं उसको रखता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, उसकी लाइन स्प्लिट, वो लाइन जो स्प्लिट होती है उसको कहते हैं क्या, ज़िमेन इफेक्ट या तो स्टार्क इफेक्ट, ओके, ध्यान रखना बच्चों खास। बाकी आगे जो लिखा हुआ है वो भी काम का, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑब्जर्व दैट द स्ट्रक्चरल लाइन स्प्लिट अप इनटू नंबर ऑफ लाइन, क्लियर, इज नोन एज द ज़िमेन इफेक्ट। बट इन शॉर्ट वी कैन से लाइक दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द ज़िमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। ज़िमेन इफेक्ट क्या है, देन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। यस, कोई भी मॉलिक्यूल अगर जुड़ेंगे ऐसे, पर नहीं समझा पाएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन के तो भाई ने बताया है, कोवेलेंट बॉन्ड में तो भाई दो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ सकते हैं, तीन भी जुड़ सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, या तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात है, मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी ये समझा नहीं पाया। और देन आफ्टर, ही इग्नोर द ड्यूल बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्ट द हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। मीन्स वॉट, ये चीज़ जो है ना वो आपको समझ में आएगी हमारी नेक्स्ट थियरी में, यहाँ से हमारा चैप्टर टर्न होगा, यहाँ से हम हमारे जो पार्टिकल है वो सॉरी हमारे पास जो भी लाइट है उस लाइट को हम ड्यूल नेचर के फॉर्म में पढ़ेंगे, और आगे जाके हमें दो मेन और इम्पोर्टेंट थियरी पढ़नी है, एक है डी ब्लोगरी
सॉरी डी ब्रोगली इक्वेशन, और एक पढ़ना है हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आफ्टर हम ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आखिरी टॉपिक जो है वो आपको पता तभी चलेगा जब हम उस थियरी के बारे में समझेंगे, क्योंकि वो थियरी को ये मॉडल समझा नहीं पाया है। ओके सो बच्चों ध्यान रखिए, ये जो है आज बहुत से टॉपिक पढ़े हैं हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। आज हमने नील बोर मॉडल पढ़ा, उसके पोस्टुलेट बहुत सारे पढ़े। ओके तो बच्चों ध्यान रखना, और लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा, सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन ली। हालांकि ये सारी जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन मत कीजिए, लेकिन साथ में लिखते गए होंगे वो बच्चों को तो बहुत मजा आया होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप साथ में लिखते हो तो आपको वही के वही याद हो जाती है। ओके ध्यान रखना बच्चों, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजना, और जो आपका होमवर्क है वो टाइम टू टाइम करना। जितना आप दिल से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ट्वेल्थ में भी मजा आएगा। इलेवंथ में जितना मजा आ रहा है उतना ही मजा ट्वेल्थ में आएगा। ओके मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।